अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। ये मैं आपको थोड़ा सा इसका व्यू दे रहा हूँ। बी ब्लॉक के अंदर 5 मल्ला ग्रे स्ट्रक्चर का, ये आप देख सकते हैं कि ये सारे घर वगैरह बने हैं और फैमिलीज़ वगैरह जो सी हैं वो इसमें रह रही हैं। ठीक है, अभी ये ग्रे स्ट्रक्चर है, ठीक है, 5 मल्ला का, ठीक है, जो कि फॉर सेल है। और आप साथ देख सकते हैं, इसके साथ एक अच्छा एनवायरनमेंट है, सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा पोर्शन का विज़िट करवा देता हूँ 5 मल्ला ग्रे स्ट्रक्चर का। सबसे पहले आ जाता है इसका कार पोच, ठीक है, कार पोच इसका खुला है और ये बाई सी डी एल आ 4 फुट की आपको फ्रंट छोड़ना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद इसके ये आ जाता है टीवी लॉन्च, ठीक है। ये टीवी लॉन्च जो सा इसका है, ये आप देख सकते हैं कि एक बड़ा टीवी लॉन्च है इसका, ठीक है। टीवी लॉन्च के साथ ही आपका ये किचन है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे आपका किचन आ जाएगा, ठीक है, एक ये बाय एग्जॉस्ट के लिए। फिर आपका ये एक बेडरूम आ जाएगा जो कि ये है, साथ में ये इसका वॉशरूम, इसी तरह। अब आपको मैं विज़िट करवाता हूँ फर्स्ट फ्लोर का। ये एक जनरल बेडरूम है, एक बड़ा बेडरूम है ये, ठीक है। उसके साथ ही ये यहाँ पर कबर्ड वगैरह, अलमारी वगैरह, ठीक है, और यहाँ पे ये इसका वॉशरूम, ठीक है। और साथ ही ये जो सा फ्रंट है इसका, ये आप देख सकते हैं ये टेरेस छोड़ा हुआ है। यहाँ पे आप खड़ा होके एक व्यू जो सा है उसको पूरा इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी आप एक व्यू जो है उसको बिल्कुल एंजॉय कर सकते हैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ सेकंड फ्लोर के ऊपर। सेकंड फ्लोर के ऊपर ये एक सर्वेंट रूम है, ठीक है, उसके साथ ही ये वॉशरूम है, ठीक है, और उसके साथ ही ये जो है। अब देख सकते हैं साथ फैमिलीज वगैरह रह रही हैं, ठीक है, और ये यहाँ पे इसका छत है। और बिल्कुल इसके करीब में मस्जिद है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। और इसकी बिल्कुल बैक साइड के ऊपर जो है वो पार्क है बच्चों का, प्ले एरिया के लिए। तो ये आप देख सकते हैं कि इसका व्यू माशाल्लाह कितना प्यारा है, और ये सारे घर वगैरह बने हुए हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।